नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया, साथ ही ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ राय की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या एक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा करवाई गई है। पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चरम पर है, वहां पर विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो जनता की सुरक्षा क्या होगी। आज हमने 7 नंबर चौराहा पर ममता बनर्जी का पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे, प्रमोद तिवारी एवं युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। जिस तरह की जो घटना बंगाल के अंदर हुई है, बंगाल के विधायक को मारकर और फांसी पे उनको लटका दिया जाता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था बंगाल के अंदर चल रही है, बंगाल दुरावस्था की तरफ बढ़ रहा है। ममता बनर्जी जी वहाँ की मुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। लगातार इस तरह की कानून व्यवस्था लचर हो चली है, उसके विरोध में आज हम सभी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। और ममता दीदी, आपसे आप किस तरह की सरकार चला रही हैं इस देश का नौजवान जानता है। लगातार गुंडागर्दी जो इस तरह से आपके लोगों के द्वारा हो रही है और उसके बाद भी किसी तरह से कोई भी रोक टोक नहीं है, कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं, अभी हाल ही में विधायक की हत्या जिस तरह से हो गई है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ममता दीदी, आपकी कानून व्यवस्था को इतनी लचर, इतनी दुरावस्था आपने फैला रखी है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसी के विरोध में आज युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था के विरोध में यहां पर पुतला दहन किया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।